गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इक्विसिटम पार्ट फोर में हम इक्विसिटम के रिप्रोडक्शन या जनन संबंधित कैरेक्टर्स का अध्ययन करेंगे। इक्विसिटम में जनन या रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। प्रथम कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तथा द्वितीय बीजाणुओं द्वारा जनन और रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। कायिक जनन हेतु अंडरग्राउंड राइजोम पर कुछ ट्यूबर्स फॉर्म होते हैं जो मातृ पादप से अलग होकर मिट्टी में पड़े रहते हैं तथा अनुकूल वातावरण मिलने पर ये ट्यूबर्स अंकुरित होकर के एक नया बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट बनाते हैं। इक्विसिटम एक होमोस्पोरस या समबीजाणुक वंश हैं, अर्थात इसमें एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणुओं का निर्माण स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानी धर पर स्थित बीजाणुधानियों में होता है। बीजाणुधानी धर फर्टाइल सूट्स या फलद प्ररोहों के शीर्ष पर चक्रीय क्रम में व्यवस्थित होकर शंकु या कोन का निर्माण करते हैं। प्रत्येक स्ट्रोबिलस में एक केंद्रीय स्थूल अक्ष या एक्सिस होती है जिसे स्ट्रोबिलस एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस पर अनेक स्पोरेंजियोफोर चक्रीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर एक सवृंध संरचना होती है जिसके दूरस्थ सिरे या डिस्टल एंड चपटा होकर एक षटकोणीय छत्रिकाकार डिस्क हेक्सागोनल पेल्टेट डिस्क बनाता है। इस हेक्सागोनल पेल्टेट डिस्क की निचली सतह पर 5 से 10 तक लंबी थेलीनुमा बीजाणुधानियों का वलय होता है। बीजाणुधानी का व्रंथ या स्टॉक स्ट्रोबिलस अक्ष पर समकोण में संलग्न होता है। कुछ जातियों में स्ट्रोबिलस के आधार पर कैलिक्स समान अतिवृद्धियां पाई जाती हैं जिसका एक चक्र होता है। इस चक्र को एन्यूलस या वलीका कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, स्पोरेंजियोफोर अक्ष के चारों ओर चक्रीय क्रम में व्यवस्थित हैं। प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर पर 5 से 10 बीजाणुधानियां लगी हुई हैं। ये बीजाणुधानियां परिपक्व होने पर स्पोर्स को रिलीज करती हैं। इक्विसिटम के परिपक्व या मैच्योर स्पोर्स या बीजाणु गोल एक केंद्रकीय व क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। बीजाणु भित्ति 4 परतों में विभेदित होती हैं, जिनके नाम बाहर से अंदर की तरफ क्रमशः पेरिस्पोर, मिडल लेयर, एक्सोस्पोर तथा एंडोस्पोर हैं। आउटर पेरिस्पोर या बीजाणु चोल स्प्लिट होकर 4 पट्टियां या स्ट्रिप्स बनाती हैं। ये चारों पट्टियां एक दूसरे से अलग होती हैं, परंतु एक बिंदु पर ये बीजाणु से संलग्न रहती हैं। अपरिपक्व अवस्था में ये पट्टियां या स्ट्रिप्स बीजाणु के चारों ओर सर्पिल क्रम में लिपटी होती हैं, परंतु परिपक्व अवस्था में ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इन्हें इलेटर्स कहते हैं तथा इनके शीर्ष चपटे व स्पून शेप के होते हैं। इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक अर्थात आद्रता ग्राही होते हैं, अतः वायु में आद्रता कम या अधिक होने पर वे क्रमशः फैलते व सिकुड़ते हैं। इलेटर्स का कार्य
निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु वैज्ञानिकों का विश्वास है कि इनका आर्द्रता ग्राही हाइग्रोस्कोपिक नेचर संभवतः बीजाणुधानी के स्फुटन में सहायक होता है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों का विचार है कि इलेटर बीजाणुओं के प्रकीर्णन के समय पैरासूट के रूप में कार्य करते हैं तथा स्पोर्स को मदर प्लांट से कुछ दूरी तक ले जाने में सहायक होते हैं।